हिमाचल प्रदेश के ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर संघ ने सरकार द्वारा अनदेखी किए जाने के आरोप से सर्वहित सुधार भवन में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के शिमला, मंडी, कांगड़ा, ऊना, चंबा, बिलासपुर इत्यादि जिलों के ऑनरेरी ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा ने की। हमीरपुर में आयोजित बैठक के दौरान ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर बैठक में वन रैंक वन पेंशन छठे वेतन आयोग की विसंगतियों के साथ ऑनरेरी ऑफिसरों के कोर्ट में चल रहे केसों, ECHS में मेडिकल सुविधा सहित कई लंबित मांगों पर चर्चा की गई। देख रहे थे कि बहुत अरसे से हम लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी नहीं और हमारे जो सर्विसेज हेडक्वार्टर है वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो इसलिए हमें ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा। इसमें हम लोगों की ज़्यादातर जो डिमांड आए वो हमें जैसे 1/1/2006 से एरियर मिलना है उसके बारे में है जो ऑनरी ऑफिसर्स हैं। नंबर दो, वन रैंक वन पेंशन में हमारे साथ जो है ज्यादति किया गया था उसको हमने करेक्ट करने के लिए पत्र व्यवहार किया, मुख्यमंत्री महोदय जी को चिट्ठी भी लिखी हुई है कि हमारी समस्याओं के लिए स्टेट में एक पॉलिटिकल पैनल बनाया जाए ताकि वो हमारी समस्याओं को सुने और उनका समाधान टाइम से टाइम करे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।